રાજસ્થાનની રાની રંગીલી હવે બોલિવૂડને પોતાના રંગમાં રંગશે અને ટૂંક સમયમાં જ નેશનલ ટીવી ઉપર રિયાલિટી શોમાં પણ જોવા મળશે. રાજસ્થાનની પ્રખ્યાત મ્યુઝિક કમ્પોઝર એક્ટર રાની રંગીલી મુંબઈના અંધેરીની કન્ટ્રી ક્લબમાં પહોંચી હતી, જ્યાં રાની રંગીલીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ રાજસ્થાનની રાની રંગીલીએ લોકોને કહ્યું હતું કે ખૂબ જ જલ્દી તે મુંબઈમાં તેનું ગીત લોન્ચ કરશે. રાની રંગીલી એક પ્રખ્યાત કલાકાર ગાયિકા છે. રાજસ્થાનના લોકો તેના ગીતો ઉપર ડાન્સ કરે છે. કિસે પ્રેરણા મળી જો મેરી મમ્મી કે દુખ દેખતે હુએ મે વો દેખ કે બસ બની હું ઓર માધુરી જી સે મેને મતલબ ઉનકો ફોલો કિયા ઉનસે પ્રેરણા મળી મુજે કે મે યે લાઈન થોડા સા અપને બારે કુછ દર્શકો કુછ કે બતાઈએ જી કોન સા મતલબ કિસ વક્ત આપને तेरह चौदह साल की थी मैं जब इस लाइन में आई हूँ. तो जब मैं छोटी थी तब भी मेरे पापा शांत हो गए थे, डेथ हो गई थी पापा की. तो मेरी मम्मी ना, हम 10 बहन भाई हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस के बड़ा किया है मम्मी ने. तो ये दुख देखते हुए मैंने ये लाइन चुनी है कि मैं कुछ बनूँ. हुनर तो मेरे में बचपन का ही है, तो मैं इस लाइन में ही बनना चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, परिवार के लिए कुछ करूं और ढेर सारा पैसा कमाऊं, उनको जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी दे सकूं. तब से बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो भी गाने किए सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है और बिल्कुल मिलियंस में व्यूज़ हैं यूट्यूब पर. और रानी जी जैसी हैं अभी दिख रही है वैसी बहुत ही अच्छी, पर्सनली भी बहुत ही अच्छी हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इनमें कि बहुत हार्ड वर्किंग है और बिल्कुल हर समय बस काम का सोचती है, कुछ नया करने का सोचती है. देखिए स्पेशली रानी जी राजस्थान से हैं और मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारा एक अलग ही केमिस्ट्री होगी दोनों की ना. और वुमेन्स को तो आगे बढ़ना ही चाहिए और ये इतनी मेहनत कर रही है तो ऑफकोर्स आप बहुत आगे जाओगी. और मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि आप रियलिटी शो में कहीं बड़े पर्दे पे आओ और मतलब राजस्थान की एक लड़की धूम मचाए आगे ना. बेस्ट ऑफ लक. आपके क्या क्या प्रोजेक्ट कुछ बॉलीवुड में किया आपने? मेरा नाम क्या आपका? डॉक्टर रेनू सार. कुछ बॉलीवुड में किए प्रोजेक्ट आपने? मैंने एक जैसे रानी जी सोशल नहीं करती, मैंने एक सोशल मूवी की है कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. एक मेरी बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ एक कॉमेडी मूवी भी है, राजकुमार जी भी देख चुके हैं वो मूवी. और कुछ एल्बम सॉन्ग है और अभी चल रहे हैं प्रोसेस में कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी